केंद्रीय जनजाति राज्य मंत्री रेणुका सिंह सरूता ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार जनजाति प्रतिभाओं को निखारने के लिए कई सकारात्मक कदम उठा रही है। केंद्रीय मंत्री सरूता कल जनजाति कार्य मंत्रालय की ओर से उदयपुर में चल रहे राष्ट्रीय संगीत एवं नृत्य प्रतियोगिता के समापन समारोह को संबोधित कर रही थीं। इस अवसर पर उन्होंने अव्वल आने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किए। गौरतलब है कि इस प्रतियोगिता में 600 से भी अधिक लोक कलाकारों ने अपने राज्य की लोक संस्कृति की प्रस्तुति दी। बच्चों को एक फायदा ये होता है कि पूरे देश के बच्चों से मिलना जुलना होता है, उनके कल्चर को देखते हैं, तो इससे उनका मनोबल बढ़ता है। और जो जैसे पढ़ने वाले बच्चे हैं बड़े ही सांस्कृतिक कार्यक्रम है, लेकिन इससे उनके अंदर प्रतियोगिता की भावना और मजबूत होती है और वो अपने पढ़ाई को अच्छे से कर पाते हैं। प्रदेश सरकार ट्राइबल लोगों की स्थिति को सुधारने के लिए जो भी पैसे की डिमांड करती है, चाहे उनकी शिक्षा के लिए, चाहे स्वास्थ्य के लिए, चाहे जिन बस्तियों में रहते हैं वहाँ पर बिजली पानी रोड पुल पुलिया के लिए, तो सिर्फ जनजाति मंत्रालय ही नहीं, भारत सरकार के 41 मंत्रालय भी उस प्रदेश सरकार की डिमांड पर जनजाति समाज के लोग जहाँ पर रहते हैं उनको पैसा देते हैं। प्रदेश सरकार के ऊपर भी है कि वो ट्राइबल समाज के लिए चिंता कर रहे हैं।